दोस्तों, गंगापुर सिटी में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है और एसीबी जी के बड़े अधिकारी राजेश जी हैं और बीरन जी को 3,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। दोस्तों, जी न्यूज पोर्टल पर इस टाइम लाइव देख रहे हैं आप। सर, क्या मामला था ये? जी सर, परिवादी है गोपाल सिंह सैनी, यहीं के निवासी हैं जी। उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था उनके परिजनों के खिलाफ जी, जिसमें आईओ वीरेंद्र सिंह जी थे जो आज कार्यवाहक थानाधिकारी हैं। इन्होंने नाम निकालने की एवज में उनसे पैसे मांगे थे, जिसमें 5,000 की डिमांड थी, जिसमें 2,000 तो सत्यापन के वक्त इन्होंने 11 तारीख को ले लिए थे जी। और 3,000 रुपये आज इनको रिश्वत लेते हैं और यहाँ तो हमने ग्रेड किया। फिलहाल सर, सफाई माध्यम ले जाएंगे? हाँ, अभी तो प्रक्रिया है हमारी, वो कार्रवाई पूरी करने के बाद। दोस्तों, ये लाइव देख रहे थे, पुलिस उपाधीक्षक राजेश जी कार्रवाई कर रहे हैं इस टाइम और 3,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। और गंगापुर सिटी की एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है दोस्तों यहाँ पर, और आप देख रहे हैं बीरन जी को 3,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। वो है क्या काफी है क्या यहाँ पे जिसने बोलते दिखाई, वो है क्या हेलो? दोस्तों, आप लाइव देख रहे हैं जी न्यूज पोर्टल पर, एसीबी की गंगापुर सिटी में बड़ी कार्रवाई की है ये। और जो मऊकला चौकी प्रभारी है और इस टाइम कोतवाली थाना का प्रभारी भी उन्हीं के पास चार्ज है। दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज पोर्टल पर लाइव दिखा रहे हैं हम आपको, एसीबी की गंगापुर सिटी में बड़ी कार्रवाई की है दोस्तों और 3,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए मऊकला चौकी प्रभारी भी जी भी हैं ये, और कोतवाली थाना का प्रभारी भी इन्हीं के पास में है। दोस्तों, हम आपको मऊकला से ये चौकी से आपको लाइव दिखा रहे हैं ये और जो बीरन जी है थाना प्रभारी और कोतवाली थाना का इंचार्ज भी चार्ज उन्हीं के पास में है, बीरन जी के पास में, और एसीबी की गंगापुर सिटी में बड़ी कार्रवाई की है और राजेश जी हैं एसीबी के बड़े अधिकारी और उन्होंने 3,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए धरे गए और अभी कार्रवाई चल रही है।